मैं हूँ तोहिन, मैं अभी जयराम बाटी भी हूँ। जो मेरे साथ है आज दीपक दा, जो मेरे साथ आया है आप देख सकते हैं। कल हमने तय किया था कि हम आएंगे जयराम बाटी कंवर पुकुर, फिर थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से हम कैंसिल कर दिया था। फिर कल रात को दीपक दा ने फ़ोन किया तो चलो चलते हैं, तो हम लोग तुरंत आगे चंद्रकोना से हम बकादो होके हम आए जयराम बाटी। 1 आवर के आसपास ही हम पहुँच चुके हैं, तो लेट्स गो, चलो चलते हैं। बट एक प्रॉब्लम है, जयराम बाटी और कंवर पुकुर का अंदर का व्यू आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि उधर कैमरा अलाउ नहीं है। मेरे पीछे जो गेट है ये जयराम बाटी सारदा देवी माँ का मंदिर का मेन गेट। जखन छिलें तखन ये घरे जगदत्ती पूजो करितें शिशि मा। इस घर में माँ सारदा देवी ने जगदात्री पूजा करते थे। जयराम बाटी में आपको 500 से 2000 के बीच में आपको लॉज। हम दोनों, मैं और दीपक दा, जयराम बाटी खत्म करके हम लोग कमर की तरफ रवाना हो गए। जयराम बाटी और कमर पुकुर के बीच में 6 किलोमीटर 10 मिनट्स बाइक राइड के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं कमर पुकुर। आप देख सकते हैं ये कमर पुकुर का एंट्रेंस गेट है। पहुंच चुका हूं जयराम बाटी से कमर पुकुर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो मंदिर है, ये रामकृष्ण देव का मंदिर है, वो था सारदा देवी, वो जयराम बाटी में है। अब ये है रामकृष्ण का, दोनों के बीच में 5 किलोमीटर के अंतर है। जयपुर रिसोर्ट्स में बहुत खूबसूरत रिसोर्ट्स है, जो राजस्थान जयपुर नहीं है, ये डब्ल्यू बी वेस्ट बंगाल में ही है। नियर जो स्टॉप है वो है बिष्णुपुर, उसके सामने, और मेरा लेफ्ट साइड है बिष्णुपुर और मेरा राइट साइड है कोतुलपुर, उसी के बीच में जयपुर है। बहुत खूबसूरत ये रिसोर्ट्स है। मैं और दीपक दा आए घूमने के लिए, अभी तक मैंने अंदर नहीं गया, अब मैं जा रहा हूँ। जयपुर में है, बहुत ही खूबसूरत बनाया,
मेरे पीछे आप देख सकते हैं। जयपुर का बोनालोता रिसोर्ट बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। कितने सारे जो पॉइंट है, कितने खूबसूरत। हाँ ठीक ठीक ठीक। बोनालोता रिसोर्ट्स आप इधर आके रह सकते हैं, आपको रूम के हिसाब से पैसा है।